स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल क्रिजी टेस्ट एक्सपेरिमेंट पे। दोस्तों, आपने आर ओ के बारे में सुना ही होगा। आज मैं आपको आर ओ असेंबल करना सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर तो मेरे पास देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे एक्वा ग्रैंड मॉडल आर ओ पैक रखा है। इसके अंदर एक कैबिनेट है जिसके अंदर हम आर ओ का असेंबल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कैबिनेट को खोल के बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से आर ओ की कैबिनेट मिलेगी आपको पॉलिथीन के अंदर। आप इसको खोल लें, इस पन्नी से बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद में आपका आर ओ का ये शीशा अलग करना है, नीचे का टैंक अलग करना है। तो उसके लिए यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं, इस तरह से स्क्रू। आप इन स्क्रू को खोल लेंगे। जब आप सारे पंप को खोल लेंगे तो आपका ये शीशा अलग हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे का जो टैंक है ये भी अलग हो जाएगा। और ये हमें इससे चाहिए जिसके अंदर हमारा सारा पार्ट असेंबल होने वाला है। और इसके अंदर इसके स्टीकर होंगे, ये इन स्टीकरों के अंदर ये वाला बेस हमको चाहिए और ये वाला हमारा बाद में लगेगा, दोबारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी हमने साथ रखा है। ये यूनियन है और ये हमारे इनपुट और आउटपुट के लिए लगता है। तो इसको अब हम यहाँ पे एक पाइप लगा देंगे इनपुट के लिए। ये पानी का जो ऊपर वाला यूनियन में से हो गया, ये इनपुट का पाइप हो गया। इसको हम यहाँ पे काट लेंगे और ये हमारा आउटपुट का पाइप हो गया। ये हमने लगा के छोड़ दिया। ये हो गया इसका SMPS जो इसको पावर सप्लाई देगा। इसको हम यहाँ पे कसने वाले हैं। ये है इसकी UV चोक, इसको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में ये UV चोक के वायर हैं और SMPS के वायर हैं और एक बाहर से AC लीड आई हुई है और ये फ्लूड वायर का लीड है। तो हम लोगों को इसको कुछ इस तरह से जुड़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप UV के और SMPS के दोनों के वायर को आपस में पैरेलल में जोड़ लेंगे। अभी UV और SMPS के वायर जो है आप पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी इनको सीरीज में हमको जोड़ना है। तो फ्लूड वायर का एक वायर हम लोग फ्लूड वायर का है और ये बाहर से लीड आई है। तो इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। हमारे पास ये दो वायर बचते हैं। तो इन दोनों वायरों को हम ये जो दोनों वायर हमने UV चोक के और SMPS के जोड़े थे उसमें जोड़ेंगे। एक वायर इसमें जोड़ देंगे वाले को और दूसरे वाले को इसमें जोड़ देंगे। अभी हमारे पास तीन पॉइंट मिल गए हैं बने हुए। इनको हम टेपिंग कर देंगे, कवर कर देंगे। और ये हमारा फ्लूड का वायर है। ये एक्वा ग्रैंड का हम RO बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। और इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक्वा फ्रेश का ये बेहतरीन पंप एक्वा फ्लो। और हम इसके इस स्टिकर पे हमारा एक्वा ग्रैंड का ही स्टिकर को लगाने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों को इसमें एल्बो कसने होंगे, जो कि एक एल्बो यहाँ पर कसेगा और सेम टू सेम ऐसा ही दूसरा एल्बो दूसरी ओर कसेगा, इस तरफ कसेगा। इन्हें कस लेते हैं फटाफट। अभी हमारा पंप एकदम रेडी है आर ओ पे कसने के लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस हिस्से पे कस देंगे। यहाँ पे हमारा ये पंप लग चुका है। अब हम लोगों को ये SV स्टैंडर्ड वाल जो होता है इस जगह पे लगाना है, इस जगह पे। तो हम इसको कस लेते हैं। ये स्टैंडर्ड वाल हमने कस लिया है यहाँ पे और ये हमारा इनपुट का पाइप था। तो अब इनपुट के पाइप को हम यहाँ पर लगा देंगे। अभी हमारे पास में ये सैनलेट वाल के वायर है, सैनलेट वाल के SV के जो हमने पार्ट लगाया था। ये पंप के वायर हैं और ये SMPS के वायर हैं। बहुत सिंपल वायरिंग है यहाँ पे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है SMPS का पावर सप्लाई का जो 24 वोल्ट निकालता है। तो रेड में रेड जोड़ देंगे और ऐसे ही सैनलेट वाल का रेड में रेड जोड़ देंगे। फिर ब्लैक में ब्लैक जोड़ देंगे और पंप का भी ब्लैक में ब्लैक जोड़ देंगे। बस इतना करना, इसके बाद टेपिंग कर देंगे। उसके बाद वायर जोड़ने के बाद स्टैंडर्ड वायर की जो पिन है ये स्टैंडर्ड वायर के अंदर लगा देंगे। अब ये हैं सी क्लंप हमारे। इन सी क्लंपों को हम इस जगह पे लगाने वाले हैं। तो अब इनको हम फटाक से लगा लेते हैं। ये इसका सेडिमेंट फिल्टर जिसको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, तो इसको हम लगा देते हैं। ये इसका कार्बन फिल्टर, इस कार्बन फिल्टर को हम ऊपर की साइड में यहाँ पर लगाने वाले हैं। अभी हमारे बाहर से जो पाइप आया था वो हमने सैंडलेट वाल के अंदर लगाया था। उसके बाद हम यहाँ से कनेक्शन लेंगे जो सेडिमेंट फिल्टर के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हम पाइप को अटैच कर लेते हैं।
और ये हमारा सेडिमेंट फिल्टर के अंदर जाएगा। अब सेडिमेंट फिल्टर के अंदर से पानी होता हुआ यहाँ से बाहर निकलेगा आउटलेट में, और यहाँ पे हम पाइप लगा लेंगे जो कि हमारा इधर कार्बन फिल्टर में जाने वाला है। इधर हम कार्बन फिल्टर में इसको लगा देंगे। अब यहाँ से पानी हमारा सीधा जाएगा पाइप यहाँ से लग के हमारा पंप के अंदर, तो हम यहाँ पंप के अंदर यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे इस जगह पे, देख रहे हैं इस जगह पे। अभी हम लोग इसके अंदर ये वाली मैम्ब्रेन डालने वाले हैं कैंडोरा, तो मैम्ब्रेन हाउसिंग हमारी रेडी है। और मैम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर इस तरह से मैम्ब्रेन को अंदर डालें और एकदम सेट जैसे बैठाएंगे, उसके बाद उसको हल्का सा पुश कर दें। पुश करने के बाद मैम्ब्रेन अंदर बैठ जाएगी और ये इसका कवर उड़ता है, इस कवर को यहाँ पे टाइट कर लेंगे थोड़ा सा ताकि लीकेज ना करे। उसके बाद में मैम्ब्रेन हाउसिंग को हम यहाँ पे बैठाने वाले कुछ इस तरह से। अभी हमारे पास में यूवी वेरियल इसका तैयार है, तो हम एकदम रेडी है। यहाँ पे एल्बो वगैरह हम लोगों ने कस लिया है, स्टिकर इसमें लगा हुआ है, इसको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। यह है हमारा यूएस, अब यूए फिल्टर हमारा बिल्कुल रेडी है। इधर एल्बो लगाने पे हम लगा लिए, स्टिकर इसको लगा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। अभी यहाँ पे हम लोग इसकी पाइपिंग करने वाले हैं साफ पानी की, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नीचे की तरफ खोल लेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मैम्ब्रेन लगी हुई है। यहाँ से मैम्ब्रेन के अंदर पंप से पानी अंदर जाता है, ठीक है, और वहाँ से निकलता है आउटलेट का पानी। और आउटलेट में एक पाइप पानी निकलता है वेस्टेज का, जो वेस्टेज का पाइप हमने यहाँ पे जो छोड़ा था वेस्टेज का पाइप यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ से वेस्टेज का पाइप पानी निकलेगा और यहाँ से पीने वाला पानी निकलेगा। तो पीने वाला पाइप के लिए पानी के लिए हम पाइप लगा लेंगे और इसको इस तरह से घुमाते हुए यूवी के एल्बो में डाल देंगे। ये हो गया यूवी के एल्बो में, और यूवी के एल्बो से दूसरी तरफ से जो पानी निकल रहा है इसको हम सीधा ले जाएंगे एफ आर यूएफ के अंदर, और ये यूएफ के अंदर लग जाएगा यहाँ पे। और यूएफ के अंदर से जो पानी निकलेगा वो जाएगा हमारे पीने वाले टैंक में। तो यहाँ से पाइप का एक्स्ट्रा काट लेंगे नीचे की तरफ और ये हमारे पीने वाले टैंक में चला जाएगा। अब तक आपने पूरा आरओ देख लिया किस तरह से ये बनता है। अब लास्ट चीज़ हमारे पास आएगी ऑटोमेटिक फ्लोट। जब जैसी टंकी इसकी भरती है आरओ की, टंकी भरने के बाद में ये एक फ्लोट स्विच होता है जिसकी वजह से मशीन पूरी ऑफ हो जाती है। मैं इसको लगाने बताने वाला हूँ आपको। इसको हम लोग यहाँ पे कसने वाले हैं, तो इसको फटाफट से यहाँ पे कस लेते हैं हम लोग। अब इसको हमने यहाँ पे कस लिया, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 पॉइंट मिल रहे हैं हमें थिम्बल लगाने के। ये हमारा उस टाइम फ्लूड वॉल का तार हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे कनेक्ट किया था, ये वही वायर है, उसके अंदर हमने थिम्बल लगा लिए। तो थिम्बल यहाँ पर 3 पॉइंट आपके पास में, आपको थिम्बल को एक थिम्बल नीचे लगाना है नीचे वाले पॉइंट में, तो इसको एक को नीचे लगा लेंगे एक ऊपर लगा लेंगे। तो दोनों को हमने लगा लिया है, देखिए बीच वाला पॉइंट खाली है, ठीक है, और इसको इधर की तरफ घुमा देंगे। देखो कुछ लगाने के बाद हमारा फ्लूड वाल कुछ नीचे इस तरह से होगा, ठीक है। ये हमारा पीने का पानी यहाँ से आउट होगा, टैंक के अंदर जाएगा। अब हम इसको कवर कर लेते हैं ये इस तरह से, इसके हम लोग शीशे लगा लेते हैं, स्टिकर लगा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी हम लोगों ने इसके पेज कुछ कस लिया है, बिना स्टिकर के आरओ कुछ इस तरह से दिखता है। स्टिकर लगाने के बाद कैसे दिखता है अभी दिखाते हैं। आरओ बनने के बाद स्टिकर लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। आई होप आप लोगों को ये मशीन बनाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे मैं आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता रहूँ।